नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण बिरला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है MPN स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम STSC एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो में हम उसी एक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर एक, चैप्टर दो देख चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर तीन और चैप्टर चार के बारे में देखेंगे, है ना। ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको स्पेशल कोर्ट के बारे में पता चलेगा, अपील आप कहाँ कर सकते हैं जो स्पेशल कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है तो, और अपील कितने दिनों में की जानी है, इन सब के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं STSC एक्ट 1989 का चैप्टर तीन और चैप्टर चार। STSC एक्ट का चैप्टर तीन जिसका नाम है एक्सटर्नमेंट या निष्कासन, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, निष्कासन, है ना। तो चैप्टर तीन की बात हम करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम चैप्टर दो तक बात कर चुके हैं और सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन नौ तक हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। आप मेरी सीरीज के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो यह कहता है रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस, मतलब ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, है ना। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर जो है इसको हम पढ़ लेंगे। पर पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये पूरा चैप्टर ही निष्कासन ये किस पे बेस्ड है और उसी की सारी बात यहां पर होगी। उसके बाद हम चैप्टर चार देखने वाले हैं और चार ए से अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी रूपरेखा रहेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें इस चैप्टर में हम चैप्टर तीन और चैप्टर चार की बात करेंगे। चैप्टर चार ए और चैप्टर पांच की बात अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि चार ए बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ये जो चैप्टर तीन बोलता है, ये चैप्टर तीन का हेडिंग का नाम ही है निष्कासन, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को कोर्ट अगर चाहे स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट तो उसको किसी विशेष एरिया से बाहर कर सकता है इस STSC एक्ट के संदर्भ में। तो वो क्या है, वो क्या परिस्थिति बन सकती है, वो जरा मैं आपको उदाहरण के साथ बता देता हूं एक ब्लैंक पेपर लेकर के, फिर हम उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। पर पहले आप समझ लीजिए, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, सपोज करो हमारे ठाकुर साहब, ये ठाकुर साहब एक व्यक्ति है जो कि जनरल या ओबीसी के हैं या STSC के सदस्य नहीं है, और कोर्ट को ये शंका है, है ना, कोर्ट को किसको, विशेष न्यायालय को ये शंका है या कोई उनको कंप्लेन करे कि ये व्यक्ति किसी STSC के सदस्य के खिलाफ जो है कोई अत्याचार कर सकता है या किसी उनकी किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई अत्याचार कर सकता है, जो सेक्शन तीन में दिए गए हैं उनमें से कोई भी अत्याचार करने की इनके द्वारा संभावना है, है ना। कुछ हुआ होगा ऐसा, या इन व्यक्ति का ऐसा नेचर हो सकता है कि ये बिल्कुल नहीं चाहते हो, इस एक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहते हो, या इस एक्ट को नहीं मानने वाले व्यक्तियों में ये होंगे, तो ये हो सकता है कि ये जात पात को मानने वाले व्यक्ति होंगे, इसलिए कोर्ट को ऐसा लगता है या कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है, तो कोर्ट जो है ये है इनके खिलाफ कोई ये अत्याचार करने की संभावना है इनके द्वारा, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इनको उस पर्टिकुलर एरिया में घुसने से रोक सकेगा या अगर ये वहीं रहते हैं तो उनको कहीं और जाने के लिए कह सकेगा। यही ये बेसिकली पूरा चैप्टर है तीन, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर ये नहीं जाते हैं या कोर्ट ने इनको 3 साल के लिए बाहर किया है और ये 5-6 महीने बाद ही लौट आए बिना कोर्ट की परमिशन के, तो वो सब क्या होगा, उसके लिए कोर्ट क्या कदम उठाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू इनको बाहर भेजा जाएगा, है ना, क्या इनको अपील करने का अधिकार है कि नहीं है, ठाकुर साहब को हमारे ये अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कोई कारण बता दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट उसके ऊपर अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता है। वो सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से एक बार ब्रीफिंग दे देता हूं। चैप्टर तीन जिसका नाम निष्कासन है, उसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा STSC के ऊपर कोई अत्याचार किए जाने की संभावना है, कोर्ट उसको एक प्रक्रिया के द्वारा उस स्थान से हटा सकता है या उस पर्टिकुलर स्थान पर जाने से रोक सकता है अगर वो वहां नहीं रहता है तो। दूसरी चीज, इस व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार है कोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो कितने दिनों में अपील कर सकता है, है ना। और अगर फिर भी कोर्ट ने आदेश दिया उसके बावजूद अगर ये बंदा उस जगह पर चला गया जहां पर ST और SC का क्षेत्र है, जहां इसको जाने के लिए मना किया हुआ है, तो फिर कोर्ट क्या प्रोसीडिंग करेगा इसके अगेंस्ट, वो सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो आइए जरा शुरू कर लेते हैं, ठीक है।
द स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड अपॉन द कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट डेट द पर्सन इज लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस अंडर द चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट इन एनी एरिया इंक्लूडेड अ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया एस रिफर्ड टू इन आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एरिया आइडेंटिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लोज 6 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21। ये सब याद नहीं रखना है आपको। इट मे बी ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट सच पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सच एरिया बाय सच रूट एंड विद इन सच टाइम एस मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एंड नोट टू रिटर्न टू डेट एरिया फ्रॉम विच ही वॉज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ फॉर सच पीरियड नोट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 ईयर्स में कहीं कहीं कंफ्यूजन है। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उसमें 2 साल लिखा हुआ है, तो आप एक्चुअल एक्ट देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से 3 साल होना चाहिए। एस मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, इसका इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसका मैं सीधा सा मतलब आपको बता देता हूं कि अगर न्यायालय चाहता है, अब न्यायालय को कैसे पता चलेगा, या तो कोई कंप्लेन हो या कोई पुलिस रिपोर्ट हो न्यायालय में, न्यायालय को अपने आप तो पता चलेगा नहीं, तो न्यायालय को ये किसी कंप्लेन पे या किसी पुलिस रिपोर्ट पे ये विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो है ठाकुर साहब हमारे अनुसूचित क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा हमारे ठाकुर साहब के द्वारा अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है ना, तो न्यायालय उसको राइटिंग में एक आदेश जारी करेगा और उसको अधिकतम 3 साल के लिए उस एरिया से बाहर जाने के लिए कहेगा, या अगर वो बाहर पहले से रहता है तो उस एरिया में जाने से रोकेगा कि भाई आप 3 साल तक अधिकतम, मतलब वो चाहे तो 1 महीना 2 महीना 2 दिन 4 दिन भी दे सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा विशेष न्यायालय उसको वहां रहने से या वहां जाने से उस एरिया में, उस गांव में पर्टिकुलर या कोई क्षेत्र ही है वहां जाने से रोक सकता है अधिकतम 3 साल तक। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। द स्पेशल कोर्ट शाल अलोंग विद ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 कम्युनिकेट टू पर्सन डायरेक्टेड अंडर द सब सेक्शन द ग्राउंड्स ऑन विच सच ऑर्डर हैज बीन मेड। मतलब अगर न्यायालय ने उसको ऐसा जाने का आदेश दिया है कि भाई आप उस एरिया में जा नहीं सकते या वहां से हट जाओ, तो न्यायालय को ऐसे कोई ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, कोई कारण बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया है उस व्यक्ति को जिसको, ठाकुर साहब को कारण बताने पड़ेंगे, है ना। न्यायालय जो है वो ठाकुर साहब को रीजन बताएगा, ठीक है, कि भाई आपको हम क्यों ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं, है ना, उसको बताना पड़ेगा। द स्पेशल कोर्ट में रिवोक और मॉडिफाई द ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 1 फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर हैज बीन मेड बाय एनी पर्सन ऑफ हिज बिहाफ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब सीधी सी बात यह है कि न्यायालय ने अगर एक बार आदेश जारी कर दिया है तो न्यायालय जो है अपने आदेश को वापस भी ले सकता है, या तो वो व्यक्ति मतलब ठाकुर साहब हमारे 30 दिनों के अंदर या तो खुद न्यायालय में कोई अप्लीकेशन दे और ऐसे कारण बताए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लिखित में देना पड़ेगा उनको, या उनके तरफ से उनका कोई वकील जा सकता है कोर्ट में और लिखित में वो कोर्ट को ये बताएगा और ये आश्वासन देगा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, तो कोर्ट चाहेगा तो अपने इस आदेश को वापस भी ले सकता है या कुछ इसमें परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हम देख ही चुके हैं, आइए आगे देखते हैं सेक्शन 11 क्या बोलता है उसी के संदर्भ में। ये पूरा चैप्टर ही, मतलब चैप्टर 3 जो है वो सेक्शन 10 से लगा करके सेक्शन 13 तक है, तो ये पूरा चैप्टर ही उस व्यक्ति पर डिपेंड करेगा जिसको बाहर किया गया है या बाहर किया गया है या किसी STSC के एरिया में जाने से रोका गया है, उसी के आसपास घूमेगा न्यायालय और उस व्यक्ति के आसपास ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो सेक्शन 11 क्या कहता है, प्रोसीजर ऑन फेलर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया एंड इंटर देयर ऑन आफ्टर रिमूवल। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा हटने में असफल रहने या वहां से हटने पर प्रवेश करने के लिए क्या प्रक्रिया है। मतलब एक बार वो अगर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि भाई आपको हटना है और वो आदमी नहीं हट रहा है, नहीं जाऊंगा मैं या तो उस एरिया में जाऊंगा जहां से इसको आदेश दिया है ना, या फिर वो उस एरिया में वापस आना चाहता है ना, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो इस सेक्शन में बताया गया, देख लेते हैं। इफ द पर्सन टू हुम अ डायरेक्शन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 10, वो तो वही है 10 के अंतर्गत जो डायरेक्शन जो है वो इशू की गई है, फेल्स टू रिमूव हिमसेल्फ एज डायरेक्टेड, मतलब उसको जैसा न्यायालय ने आदेश दिया था या निर्देश दिया था उसका पालन करने में वो असफल रहता है, या हैविंग सो रिमूव हिमसेल्फ इंटर सच एरिया विद इन ए पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर
Otherwise, then, with the permission in writing of the special court under subsection, the special court may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside such area as the special court may be specified. मतलब अगर फिर भी वो व्यक्ति जो है जिस जितने जैसे मान लो कि किसी को 2 साल के लिए बाहर किया हुआ है, लेकिन वो आदमी साल भर के अंदर ही आ गया और बिना किसी की परमिशन के, मतलब बिना कोर्ट की लिखित परमिशन के उस एरिया में आ गया जिस एरिया से उसको बाहर रहने के लिए कहा गया था. कौन सा एरिया? एसटी एससी का कोई क्षेत्र, मतलब ऐसा एरिया जहां पर एसटी या एससी के लोग निवास करते हैं और न्यायालय ने उस व्यक्ति को वहां जाने से रोक दिया है. क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 3 के अंतर्गत धारा जो अध्याय 2 है जिसका सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत कोई अत्याचार कर सकता है. इसलिए तो कोर्ट जो है उसको पुलिस कस्टडी में दे सकता है या उसको अरेस्ट करवा सकता है. ठीक है, अगर कोर्ट की परमिशन के बिना आया है, अगर परमिशन से आता है तो ठीक है, लेकिन अगर बिना कोर्ट की परमिशन के वो वहां चला गया उस एरिया में तो उसको कोर्ट अरेस्ट करा सकता है या पुलिस कस्टडी में दे सकता है. ठीक है, यही बोला है इसमें. ठीक है, आपको यहां पर कुछ दिन याद रखना है कि उस बंदे को 1 महीने के अंदर अंदर न्यायालय में अपील करना पड़ेगी अपनी तरफ से, है ना, और न्यायालय अधिकतम 3 साल के लिए उसको बाहर रख सकता है. द स्पेशल कोर्ट में बी ऑर्डर इन राइटिंग परमिट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट टू हुम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 हैज बीन मेड टू रिटर्न टू एरिया फ्रॉम विच ही वॉज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ फॉर सच टेम्पररी पीरियड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एस मे बी स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर एंड मे रिक्वायर्ड टू हिम एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर द ड्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंडीशन इम्पोज. मतलब सीधी सी बात, अगर आपको सिंपल में इतनी लंबे छोड़े का बताऊं कि विशेष न्यायालय अगर चाहेगा तो उस व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष समय के लिए, है ना, उस एरिया में जाने की परमिशन दे सकता है. जैसे मान लो कि वो व्यक्ति जो है उस एरिया में जाना चाहता है क्योंकि उस एरिया में किसी उसके रिश्तेदार की शादी है, तो वो 10 दिन के लिए उस एरिया में जाना चाहता है, तो कोर्ट जो है उससे कुछ कंडीशंस के अंदर कि भाई आप वहां जाओगे तो कोई जातिगत उत्पात नहीं मचाओगे वहां, तो हम आपको 10 दिन की जाने की परमिशन दे सकते हैं. मतलब कोर्ट चाहे तो उसको जाने की परमिशन लिखित में दे सकता है, लेकिन उसको कोर्ट में आवेदन करना पड़ेगा वहां जाने के लिए पहले. बिना परमिशन के वो नहीं जाएगा जब तक कोर्ट उसको आदेश नहीं देता तब तक. द स्पेशल कोर्ट में एट एनी टाइम रिवोक सच एनी परमिशन, है ना. तो जो है अब उसको 10 दिन का परमिशन दे दिया है जाने का, तो लेकिन स्पेशल कोर्ट को लगता है कि यार ये तो 2 ही दिन में उत्पात मचा दिया, तो 2 ही दिनों में उस परमिशन को वापस ले लेगा. ठीक है भाई, तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं रहोगे, वापस आ जाओ आज. तो कभी भी अपनी वो उस परमिशन को रिवोक कर सकता है स्पेशल कोर्ट. एनी पर्सन हु विथ सच परमिशन रिटर्न टू द एरिया फ्रॉम विच ही वॉज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ शाल ऑब्जर्व द कंडीशन इम्पोज एंड एट द एक्सपायरी ऑफ द टेम्पररी पीरियड फॉर विच ही वॉज परमिटेड टू रिटर्न और ऑन द रिवोकेशन ऑफ सच परमिशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच टेम्पररी पीरियड शाल रिमूव हिमसेल्फ आउटसाइड सच एरिया एंड शाल नॉट रिटर्न देयर इन देयर टू विद इन द एक्सपायर्ड पोर्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 विदाउट द फ्रेट्स परमिशन. मतलब वही, अगर कोर्ट ने उसको 10 दिन का टाइम दिया है कि भाई 10 दिन तक आप उस एरिया में एसटी एससी वाले एरिया में वापस जा सकते हो, तो आपको 10 दिनों में वापस आना है ठाकुर साहब को 10 दिनों के अंदर वापस आ जाना है, ये उसकी ड्यूटी है ना. और तब तक बाहर ही रहना है जब तक कि जो सेक्शन 10 के अंतर्गत उसको बाहर रखा है 2 साल के लिए, 2 साल तक फिर से बाहर हो जाना है ना अलग से. लेकिन फिर वापस आना चाहता है अंदर 2-4 दिन के लिए, तो फिर उसको नई परमिशन लेना पड़ेगी. ऐसा नहीं कि पुरानी 10 दिन की परमिशन से ही बाद में फिर अंदर घुस जाए वो. तो अगर उसे 10 दिन की परमिशन तो मिल गई थी, 10 दिन खत्म हो गया, बाहर आ गए वो, है ना, 2 साल तक बाहर ही रहेंगे, लेकिन फिर बीच में कोई काम पड़ गया उनको, तो फिर से नई परमिशन लेना पड़ेगी कोर्ट की. फिर जाकर के जितने दिन की परमिशन उनको मिलती है उतने दिनों तक वो फिर से उस एरिया में जा सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन के साथ कि वहां पर कोई भी उत्पात नहीं मचाओगे. इफ एनी पर्सन, है ना, इसमें लिखा है इफ अ पर्सन फेल्स टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन इम्पोज और टू रिमूव हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हैविंग सो रिमूव हिमसेल्फ इंटर और रिटर्न टू सच एरिया विदाउट फ्रेश परमिशन द स्पेशल कोर्ट में कॉज हिम टू अरेस्ट एंड रिमूव इन पुलिस कस्टडी टू सच प्लेस आउटसाइड सच एरिया एज द स्पेशल कोर्ट में बी स्पेसिफाइड. मतलब दूसरी बार वो आदमी बिना परमिशन के चला जाता है, जैसे मान लो पहली बार परमिशन 10 दिन की थी और परमानेंटली 2 साल के लिए बाहर किया हुआ है, लेकिन 10 दिन के लिए उसको अंदर जाने की परमिशन मिल गई, लेकिन फिर दूसरी बार परमिशन 10 दिन पूरा हो जाने के बाद 2-4 महीने बाद फिर लगता है कि यार फिर कुछ काम है, फिर जाना चाहता है, तो फिर परमिशन लेना पड़ेगी. लेकिन अगर वो दूसरी बार परमिशन नहीं लेता है तो उसको कोर्ट अरेस्ट करा सकता है या पुलिस कस्टडी में रखवा सकता है. ठीक है, आइए आगे देखते हैं.
सेक्शन 12 बोलता है टेकिंग मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ ईटीसी ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज मेड, मतलब वही है कि जिसको जिस व्यक्ति को सेक्शन 10 के अंतर्गत किसी एसटीएससी के क्षेत्र से या तो बाहर किया गया है या उसको घुसने की अनुमति नहीं है उस एरिया में, तो पुलिस अधिकारी जो है उसकी फोटोग्राफ और उसके दूसरे मेजरमेंट मतलब माप ले सकता है पूरे 12 में, यही है, इसी बात को घुमा फिरा के भूला गया है तो वो सब हम नहीं देखेंगे। बस आप सेक्शन 12 को इतना देख लो कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई वारंट इशू हुआ है कि भाई आपको उस एरिया से बाहर रहना है, ऐसी कोई आदेश जारी हुआ है कोर्ट के द्वारा कि आपको, और कोर्ट में जब भी बोलता हूं इसका मतलब है इस एक्ट में स्पेशल कोर्ट है ना, इस कोर्ट इस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट अलग से बने हुए हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने उस व्यक्ति को जिसको बाहर किया हुआ है, मतलब हमारे इस एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हीरा ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब को बाहर किया हुआ है, तो पुलिस अगर चाहेगी तो उनके फोटोग्राफ्स ले सकेगी, है ना, और उनके अन्य माप जैसे उनके हाइट ब्रेथ चेस्ट जो भी उनको मेजरमेंट उनके शरीर का लेना है वो ले सकेगी, उनका रंग कैसा है, काला है गोरा है, बाल कैसे है, आंखें कैसी है, पुलिस को जो भी मेजरमेंट चाहिए उस बंदे का वो नोट कर सकेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब उस व्यक्ति की जो 2 साल का पीरियड है जिसके लिए उसको बाहर किया गया है, वो 2 साल का पीरियड जब खत्म हो जाता है तो वो सारे जो मेजरमेंट पुलिस ने लिए है उसका फोटोग्राफ्स और उसके जो माप उन्होंने लिए हैं वो भी उनको नष्ट करना पड़ेगा। यही सब लिखा हुआ है सेक्शन 12 में, तो आप पढ़ते रहना क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए जो फालतू की बातें हैं उनके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं कमाऊं, ठीक है। सेक्शन 13 बोलता है पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10, मतलब सेक्शन 10 के अंतर्गत जो भी पेनाल्टी कंप्लायंस किया गया है, जो निर्देश जारी हुए हैं उनका कंप्लायंस अगर नहीं करता, उन निर्देशों का पालन अगर वो व्यक्ति नहीं करता, हमारे ठाकुर साहब अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या सजा हो सकती है, ये सेक्शन 13 में दिया हुआ है, उनको क्या पेनल्टी हो सकती है ये दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं, अगर वो इनमें से जैसे उसको 2 साल के लिए बाहर रहने के लिए कहा है और बिना परमिशन के वो इंटर कर जाते हैं उस एरिया में, तो उनको कम 1 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन के साथ, है ना, इसमें मिनिमम कुछ नहीं है, देखो इसमें मिनिमम कुछ नहीं है, ये बात आपको याद रखना है, उसको 1 दिन से लगा करके 1 साल तक की सजा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उनको जेल काटना पड़ेगी विथ फाइन प्लस कोई भी फाइन 1,000 से लगा कर 1 रुपए से लगा करके 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी करना चाहे कोर्ट, क्योंकि फाइन भी स्पेसिफाइड नहीं है इसमें, तो 1 दिन से लगा करके 1 साल की सजा कुछ भी हो सकती है विथ फाइन फाइन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अध्याय 3, निष्कासन बोलते थे इसको, और इंग्लिश वाले लोगों ने तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं चैप्टर 4, हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है स्पेशल कोर्ट, है ना। तो इस चैप्टर में हम स्पेशल कोर्ट के बारे में बोलेंगे, जैसा कि मैं बताता था हर बार कि हम कोर्ट बोलते हैं इसका मतलब यह है कि स्पेशल कोर्ट, क्योंकि इस एक्ट में इस एक्ट से रिलेटेड जो भी अभियोजन चलाने के लिए या जो हेयरिंग होती है उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है। तो हर राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि अपने राज्य में जितने भी जिले हैं वहां पर स्पेशल कोर्ट का गठन करें, और ताकि इन मामलों से कहने का मतलब है कि एसटी और एससी केस रिलेटेड जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई त्वरित रूप से इस स्पेशल कोर्ट में की जा सके। तो ये पूरा चैप्टर जो 4 है वो स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इन्हीं के बारे में है। इसमें सेक्शन 14 से लगा करके सेक्शन 15 हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, है ना, इसके बारे में क्या प्रावधान है जरा देख लेते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल द स्टेट गवर्नमेंट शाल विद द कंकरेंस फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्टेबलाइज एन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर 1 or more डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट वेयर लेस नंबर ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट इज रिकॉर्डेड द स्टेट गवर्नमेंट शाल with the concurrence of Chief Justice of High Court by notification in the official gazette specify for such districts the court of session to be a special court to try the offences। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार को यह काम करना है स्पेशल कोर्ट का, लेकिन किसकी सहमति से, तो चीफ जस्टिस, उस राज्य का जो भी हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस की सहमति से प्रत्येक जिले में
एक स्पेशल कोर्ट नियुक्त करना है एसटीएससी एक्ट से रिलेटेड जो मामले आएंगे उनकी सुनवाई के लिए, है ना, ताकि त्वरित रूप से स्पीडी ट्रायल हो सके। जो ट्रायल चलेगा उस मामले का वो जल्दी जल्दी चल सके, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन बहुत है इस एक्ट में। दूसरे एक्ट में कई सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और बाउंडेशन इसमें इस एक्ट में बहुत ज्यादा है। उसका कारण मैं बताऊंगा, कहीं कहीं दो दो महीने में इनको ट्रायल पूरा खत्म करके निर्णय देना रहता है कोर्ट्स को। हम देखेंगे इसी में आगे, तो आप निश्चिंत रहिए। तो सीधी सी बात आपको जो याद रखना है यहां पर कि राज्य सरकार चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट का है उस राज्य का, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट जो है जबलपुर में है, तो जबलपुर हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहेंगे उनकी सहमति से प्रत्येक जिले में एक स्पेशल सेशन कोर्ट की स्थापना करनी है, ताकि एसटीएससी एक्ट के जो मामले हैं उनका ट्रायल बहुत त्वरित रूप से हो सके, ठीक है। लेकिन अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि किसी स्पेशल जिले में मामले कम आ रहे हैं, तो उस जिले में इस प्रकार के मामले कम हैं जहां एसटीएससी के मामले नहीं आते हैं या बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, तो वहां वो जो सेशन कोर्ट होता है जिले का, सत्र न्यायालय, उसी को वो स्पेशल कोर्ट में तब्दील कर सकते हैं या उसको अतिरिक्त प्रभार दे सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल गजेट में, मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ऑफिशियल गजेट किस प्रकार का होता है ना, इसका नोटिफिकेशन एक सिंपल आदेश के द्वारा नहीं जारी जारी होगा, गजेट में जारी होगा, ठीक है। क्या चीज का गजेट? हाई कोर्ट के सहमति से जो सेशन कोर्ट है उसको स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए गजेट जारी होगा, और एक गजेट के द्वारा ही स्पेशल कोर्ट्स का गठन भी किया जाएगा जिन जिलों में ज्यादा मामले आते हैं उनके लिए, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो जिन जिलों में ज्यादा मामले आते हैं वो है, और जो जिन जिलों में कम मामले आते हैं, तो ज्यादा मामलों के लिए तो एक स्पेशल कोर्ट गठित की जाएगी वो भी गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, और कम मामले आते हैं तो जो जो वहां का सेशन न्यायालय है उसी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, किसका? सेशन कोर्ट का, लेकिन वो भी गेजेट के द्वारा, ठीक है। यहां लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर डेट द कोर्ट सो स्टेबलाइज और स्पेसिफाइड शाल हैव द पावर टू डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब वही, जो अगर कोर्ट आप बनाओगे तो उसको सारे पावर्स होंगे केस की सुनवाई के से रिलेटेड, कोई नई बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इसका सबसेक्शन टू बोलता है इट शाल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेबिलाईज एडिक्वेट नंबर ऑफ कोर्ट्स टू इंश्योर डेट केसेस अंडर दिस एक्ट आर डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स एज फार एज पॉसिबल। मतलब वही है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि उसको पर्याप्त मात्रा में कोर्ट की स्थापना करनी पड़ेगी। कोर्ट कहने से मैं बार बार बोलता हूं स्पेशल कोर्ट, ठीक है, स्पेशल कोर्ट की पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार के जो मामले आते हैं एसटीएससी एक्ट से रिलेटेड उनको जल्दी से डिस्पोज किया जा सके, और जहां तक हो सके 2 महीने के अंदर अंदर इनको निपटाना है, ठीक है। इन एवरी ट्रायल इन द स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल द विटनेस इन द अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड अनलेस द स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फाइंड्स द एडजर्नमेंट ऑफ द सेम बियॉन्ड द फॉलोइंग डेट टू बी नेसेसरी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। वही है भाई कि रोज कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो रोज रोज चलेगी, है ना, जब तक कि कोई गवाह या प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई स्पेशल डेट ना मांग ली जाए कि भाई हमको 4 दिन का समय चाहिए या 1 महीने का समय चाहिए हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में, या गवाह को कोई और काम है, गवाह मेडिकल रूप से फिट नहीं है अभी, तो कोई भी रीजन ऐसा देगा लिखित में तो ही डेट आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो जो कोर्ट की कार्यवाही वो डेली होगी, ये कहने का मतलब है। प्रोवाइडेड डेट व्हेन द ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द ट्रायल शाल एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे समय आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसमें जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको कितने टाइम में अपना काम खत्म करना है, यहां पर क्लियरली दिया हुआ है ना। जैसे मैं पहले भी आपको बताया था चैप्टर 3 में कि जब कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो पुलिस अधिकारी को 2 महीने में उसकी जांच भी करना है, और 2 महीने के भीतर भीतर मतलब 60 दिनों के अंदर अंदर ही चार्जशीट फाइल करना है। तो पुलिस अधिकारी के पास जांच और चार्जशीट फाइल करने के लिए 2 महीने का टाइम है, मतलब 60 डेज का।
उतना ही टाइम कोर्ट को है, कोर्ट के पास है कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर इसका निर्णय देना है। पूरी जो हियरिंग चलेगी कोर्ट के अंदर, ट्रायल चलेगा कोर्ट के अंदर, वो 2 महीने में खत्म होकर के फाइनल 2 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उस 2 महीने के अंदर इनको निर्णय सुनाना है। ठीक है, 2 माह के भीतर इनको निर्णय देना है। लेकिन 2 माह कहां से गिना जाएगा? जैसे आज है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 18 तारीख को, 18 नवंबर को, तो 18 नवंबर से 2 महीने आएंगे 18 जनवरी तक, तो 18 जनवरी तक पूरा ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। मतलब चार्जशीट 18 नवंबर को फाइल हुई है, तो 18 जनवरी तक इस केस का, इस कोर्ट, ये जो केस फाइल हुआ है, इसका निर्णय हो जाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 14 है क्या बोलता है? अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको पूरा टाइमिंग पूछी जाएगा यहां से कि किस चीज के लिए कितना टाइम है आपके पास। तो मैं बता चुका हूं कि पहला टाइमिंग क्या था अपना, है ना, कि 2 महीने में पुलिस अधिकारी को जांच कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करना है कोर्ट में, कोर्ट को 2 महीने में ही अपना निर्णय सुनाना है ना, सेशन कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को। लेकिन स्पेशल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अगर कोई आदमी भाई निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो स्पेशल कोर्ट के निर्णय का जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी, है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। तो अपील कहाँ होगी और कितने कितने दिनों में सुनवाई होगी, कितने दिनों में करना है अपील, ये सब लिखा हुआ है सेक्शन 14A में। तो आइए देखते हैं। नोट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973, ये सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है आपको। सीधा अपील हेडिंग डालो और सीधा सीधा लिखो कि अगर आपको सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट के खिलाफ, के जजमेंट के खिलाफ अपील करना है किसी को, तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। पहली चीज लिख लो आप। दूसरी चीज लिख लो, चाहे जमानत को मंजूर या नामंजूरी के लिए भी अपील करना। जैसे मान लो इस कोर्ट ने आपकी जमानत को खारिज कर दिया या मंजूर नहीं किया, तो आप उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में जाओगे। मतलब सीधी सी बात है कि सेशन कोर्ट की डायरेक्ट अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी, है ना, इसके अलावा किसी और कोर्ट में नहीं होगी। अपील सीधी सीधी स्पेशल कोर्ट की कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट नहीं करेगा, स्पेशल कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, लेकिन उस निर्णय के खिलाफ जो अपील होगी वो सीधी हाई कोर्ट में होगी। अब वो चाहे निर्णय के खिलाफ हो, चाहे जमानत के खिलाफ हो, जमानत की मंजूरी या नामंजूरी के खिलाफ हो आपकी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो यही हो गए। ठीक है, नोट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शाल बी प्रिफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 19 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट सेंटेंस सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम। ये बहुत 19 डेज इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो कि जैसे आज 18 तारीख है, 18 तारीख को केस का जजमेंट आ गया। किसने जजमेंट दे दिया? स्पेशल कोर्ट ने। स्पेशल कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भाई फलाना आदमी गिल्टी है और इसको 6 महीने की जेल होती। अब अगर वो आदमी अपील करने जाता है तो उसको 90 दिनों के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगी, है ना। कितने दिनों के अंदर? 90 दिनों के अंदर उसको हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगी, है ना। अगर वो 90 दिनों के अंदर नहीं कर पाता है अपील, तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि वो 90 दिनों के अंदर अपील क्यों नहीं कर पाया। स्पेशल कोर्ट के खिलाफ, के जजमेंट के खिलाफ अपील कहां होगी? हाई कोर्ट में। तो आपको कारण भी किसको बताना पड़ेगा? हाई कोर्ट को, कि आप 90 दिनों के अंदर अपील क्यों नहीं किए। और अगर आपका कारण ठीक लगता है हाई कोर्ट को, तो आपके पास कोई पर्याप्त कारण है कि जिसके कारण आप 90 दिनों के अंदर अपील नहीं कर पाए स्पेशल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में, तो आपको हाई कोर्ट में उसका कारण बताना पड़ेगा। और कारण अगर अच्छा है तो आप 180 दिनों के अंदर अंदर कर सकते हैं। लेकिन 180 दिन के अंदर भी आप अपील नहीं कर पाए, तो फिर हाई कोर्ट आपकी अपील कोई सुनवाई नहीं होगी, तब ये जो स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है वो आपको मानना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो आप 90 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं, और अपील करने का कोई, नहीं करने का कोई कारण है 90 दिनों के अंदर, तो मैक्सिमम आप 180 दिनों के तक अपील कर सकते हैं। अदरवाइज 180 दिन, अच्छा ये 180 दिन या 90 दिन कहां से लिए जाएंगे? तो जिस दिन जजमेंट आया उस दिन से। जैसे आज अगर जजमेंट आया है 18 नवंबर को, तो 18 नवंबर से 90 दिन लगा लो, वहां तक आप अपील कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका जाता है 90 दिन के अंदर आप नहीं कर पाए, तो 180 दिन के अंदर करने के लिए आपको जाना है, तो परफेक्ट रीजन बताना पड़ेगा, है ना। यही लिखा हुआ है इसमें, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 90 डेज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट हैड सफिशियंट कॉज फॉर द नॉट प्रिफरिंग द अपील विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। प्रोवाइडेड फर्दर,
Further, that no appeal shall be entertained after the expiry of the period of 180 days. मतलब वही बताया हूं कि 90 दिन तक आपको करना है ना, 90 दिन तक। और अगर 90 दिन में नहीं कर पाए तो कारण बता करके 180 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपकी अपील मान्य नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एवरी अपील प्रिफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शाल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द अपील। अब अपील आपने हाईकोर्ट में कर दी तो अब हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है कि 3 महीने के अंदर अंदर उस अपील पे जजमेंट दे दे। ठीक है, मतलब जितना पॉसिबल हो सके, जरूरी नहीं कि 3 महीने में अपील जजमेंट हो ही जाए, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर यथासंभव देना है आपको, बहुत लंबा नहीं खींच सकते आपको। मतलब कहने का मतलब यह है इन सारी बातों को कि ST SC एक्ट में जितना जल्दी हो सके डिसीजन आ जाने चाहिए सभी कोर्ट्स को, इस एक्ट में ऐसे निर्देश दिए गए हैं, है ना, चैप्टर 4 में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 15 ये बोलता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब अगर कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट अगर हर जिले में है तो हर जिले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी तो होना चाहिए ना भाई। अगर कोर्ट है तो लड़ने के लिए वकील भी होना चाहिए, बिना वकील कैसे चलेगा। तो अगर कोई हम सरकारी एक पब्लिक सर्वेंट अगर कोई केस फाइल कर रहा है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जांच करने के बाद, तो उसकी तरफ से लड़ने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति भी होना चाहिए। यही है सेक्शन 15 में, आपको सीधा याद रखना है कि सेक्शन 15 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, लेकिन की नियुक्ति का प्रावधान है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको जो कोई भी वकील को कब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा उसकी कुछ शर्तें हैं जो इसमें दी हुई है ना। तो फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट शाल बाय नोटिफिकेशन, देखो यहां फिर से आ गया नोटिफिकेशन, इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट एन एडवोकेट हु हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, है ना, 7 साल तक कम से कम उसकी प्रैक्टिस रही हो, उसी एडवोकेट को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड कर सकती है। नोटिफाइड करना वही वापस ऑफिशियल गजेट में, मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा गजेट क्या होता है। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग केसेस इन द कोर्ट, वही है भाई, अगर सरकारी वकील तो आपको कोर्ट में रखना ही पड़ेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब सरकारी वकील होता है, मैं आपको अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। ठीक है, वैसे ही एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जैसे एक्सक्लूसिव कोर्ट होती है, तो अगर स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, और अगर एक्सक्लूसिव कोर्ट है तो एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। दोनों के लिए कंडीशन सेम है, बाकी कुछ नहीं है, है ना, बस यही लिखा हुआ है इसमें। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए किसी भी आदमी के पास वकालत करने का कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ चीजें मैं आपको एक बार कुछ बताता हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो, चार्जशीट फाइल करने का टाइम कितना है, जिस दिन FIR दर्ज हुई है चार्जशीट, तो FIR दर्ज होने के 2 महीने के अंदर अंदर, है ना, 2 माह के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल होगी, ये बात हम कर चुके हैं। चार्जशीट फाइल हो गई कहां पर, स्पेशल कोर्ट में। ठीक है, स्पेशल कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो स्पेशल कोर्ट को 2 माह के अंदर अंदर ही, मतलब 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही अपना डिसीजन देना है। ठीक है, अब 2 महीने में इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, अब अपील आप कर सकते हो इस डिसीजन के खिलाफ, तो आपके पास कितना समय है, 90 दिन का। लेकिन अगर कोई कारण है आपके पास तो आप 180 दिन तक भी कर सकते हो, लेकिन 180 दिन के बाद आप अपील नहीं कर पाओगे। ये चीजें हो गई, डेटा याद रखना है। ठीक है, अब अपील करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट को जो है अपना डिसीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में, तो 90 दिनों के अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील करना है, और हाई कोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर जो है उस अपील का निपटारा करने की यथासंभव कोशिश करेगा। ये कुछ डेटा थे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और डेटा है कि वकील जो है आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बनेगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसके लिए कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होना चाहिए वकील की, अगर किसी वकील को बना रहे हैं। सरकारी वकील पहले से है तो वो बन सकता है, लेकिन कोई बाहर का वकील बनेगा अगर एडवोकेट, तो उसको कम से कम 7 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, तब जाकर के वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है या एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो बन सकता है। ये कुछ डेटा थे जो मैंने बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूं
नोटिफिकेशन क्या होता है, बार 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 यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए, ये है भारत का राजपत्र, इसको बोलते हैं गेजेट। इस टाइप से जब भी कोई चीज गेजेट की बात करेंगे हम, तो सिंपल पेपर नहीं होता ये, किसी भी भारत का राजपत्र है ये, वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश का अगर राजपत्र होगा तो यहां पर लिखा रहेगा मध्य प्रदेश का राजपत्र, है ना। ये जो स्थिति है, भारत की जगह क्या लिखा रहेगा, मध्य प्रदेश का राजपत्र, और ऐसा लिखा रहेगा कि भाई ये अधिसूचना, देखो ये है नोटिफिकेशन इंग्लिश में, हिंदी में अधिसूचना बोलते हैं, इंग्लिश में जो है वो नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत था, मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताने के पर्पज से रख लिया। इसमें पूरा एक्ट भी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। देखो ये पूरा एक्ट भी ऐसा ही है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, परिभाषा, सेक्शन 2, इस टाइप से रहता है। और नियुक्ति भी इस राजपत्र में ही होगी, तो यहाँ पर लिखा रहता है कि फला फला एक्ट की फला फला सेक्शन के तहत ये शक्तियों का प्रयोग करने हेतु फला फला व्यक्ति को अधिसूचित किया जाता है, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन ये है नोटिफिकेशन, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के अंत में स्टेट गवर्नमेंट का साइन रहता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को रहता है। स्टेट गवर्नमेंट कहने से मतलब जिस विभाग का है, उस विभाग का प्रमुख जो है इस पर हस्ताक्षर करता है। वैसे तो नोटिफिकेशन पे साइन नहीं होता, बस नाम लिखा जाता है। मैं आपको अगर लास्ट में दिखा दूंगा तो किसी का भी साइन नहीं रहता। ये देखो उसका इंग्लिश वर्जन है ना, इसमें किसी का भी लास्ट में सिग्नेचर नहीं रहता, बस नाम रहता। देखो जैसे लिखा हुआ है पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, है ना, एफएसएसएआई के सीईओ है पवन अग्रवाल अभी, तो उनका बस नाम लिखा हुआ है, इस पे सिग्नेचर नहीं रहता किसी का, क्योंकि ऑलरेडी ये गेजेट में है। इसी को राजपत्र या इंग्लिश में गेजेट कहते हैं। तो जहां जहां नोटिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है मेरे वीडियोस में, उसका मतलब यही पत्र है ना, इसी में देना पड़ेगा पूरी। जैसे किसी का नोटिफिकेशन के द्वारा किसी की क्या बोलते हैं, नियुक्ति की जाएगी, तो उसकी नियुक्ति इस नोटिफिकेशन में होगी, और जो सरकार करेगी या जो विभाग का प्रमुख करेगा, उसका नाम नीचे लिखा रहेगा कि किसके द्वारा हुई है, बस उसका सिग्नेचर नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको ये वीडियो। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए। जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एमपी अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम इंडिया का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसी भावना के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद।